सो गाइस आपको पता है आप फोन पे की मदद से भी आप रिंग एप्लीकेशन का पेमेंट को रीपेमेंट कर सकते हो। अगर आपने रिंग एप्लीकेशन से लोन को ले रखा है, अगर आपने रिंग एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप फोन पे की मदद से भी आप अपना लोन का पेमेंट को कर सकते हो। बट आपको जानना जरूरी कि कैसे सही तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे फोन पे की मदद से रिंग एप्लीकेशन का पेमेंट को ड्यू पेमेंट को आप कैसे भर सकते हो। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे रिंग एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकते हो। देखिए मुझे रिंग एप्लीकेशन से पेमेंट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, यानी कि रिंग एप्लीकेशन की मदद से मैं पेमेंट करने जा रहा हूं तो पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कैसे, अगर आपका साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा तो गाइस आप कैसे आप पेमेंट को करोगे कि फोन पे की मदद से। तो गाइस आप ऐसे भी फोन पे से भी आप पेमेंट कर सकते हो रिंग एप्लीकेशन में, आप चाहो तो रिंग एप्लीकेशन का मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में पूरा फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस ये वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। तो पहले मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हो तो चलिए मैं आपको बताऊंगा सबसे आप क्या कीजिए, आप रिंग एप्लीकेशन ऐसे ओपन कर लीजिए RING। तो चलिए रिंग एप्लीकेशन मैं ऐसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं रिंग एप्लीकेशन ओपन करूँगा आप देख सकते हो रिंग एप्लीकेशन का इंटरफेस लुक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे 46 डेट ड्यूज हो गया और देखिए ड्यू देखिए मेरा 85 पैसा मुझे पे करना है। बट जैसे मैं पे का ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देख सो यहाँ पे जैसे कि मैं पे का अमाउंट देखिए टोटल अमाउंट देखिए ड्यू अमाउंट 85 पैसा। जैसे कि मैं पेटीएम पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देख सकते हो यहाँ से फाइनली पेमेंट नहीं होगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ोनपे जीपे यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो गाइस मैं इस केसेस में क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल फ़ोनपे की मदद से जो पेमेंट को कर सकता हूँ। अब देख सकते हो, चलिए मैं आपको बताऊंगा कि फ़ोनपे की मदद से आप कैसे पेमेंट को करोगे। देखिए आपको ऊपर टोटल लिमिट देखने को मिल रहा है, टोटल ड्यू आप देख सकते हो, तो आपने कितना ट्रांजेक्शन किया आप ये भी ऐसे पता कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊंगा कैसे फोनपे की मदद से आप रिंग एप्लीकेशन के पेमेंट को रीपेमेंट कैसे करोगे। जैसे कि आप फोनपे एप्लीकेशन ओपन करोगे आपका सामने इंटरफेस लुक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए लिखा है लोन रीपेमेंट में आपको क्लिक करना है। जैसे कि आपने लोन रीपेमेंट पे क्लिक करोगे सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं रिंग एप्लीकेशन, देखिए न्यू रिंग, चलिए मैं पहले से सेट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए उसका सिम देखिए रिंग, तो देखिए रिंग पे न्यू रिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो मोबाइल नंबर यानी कि रिंग एप्लीकेशन में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। सिंपल आपको वो नंबर एंटर कर देना है, उसके बाद सिंपल आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। सिंपल आपका जो डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपने जो रिंग एप्लीकेशन में जो पैन कार्ड हो या तो आधार कार्ड हो जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किया था वो डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ है सही डेट ऑफ बर्थ आप ऐसे भर दीजिए। चलिए डेट ऑफ बर्थ को भरने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको लोन रीपेमेंट को करना है। देखिए जैसे कि ऊपर तो मोबाइल नंबर देखने को मिलता है, नीचे देखिए अपना जो डेट ऑफ बर्थ है सिंपल मैं डेट ऑफ बर्थ पे सही भर दिया। उसके बाद सिंपल मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। देखिए जैसे कि मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो मेरा जो नेम है नेम ऐप पे आ चुका है। उसके बाद सिंपल देख सकते हो 85 जो पैसा देखे पे वही अमाउंट यहां पे देखने को मिल रहा है। तो गाइस सिंपल मैं क्या करूंगा यहां पे प्रोसेट टू पे पे क्लिक करूंगा। जैसे कि प्रोसेट टू पे पे क्लिक करूंगा देख सो मेरे सामने काफी सारा ऑप्शन आ गया पेमेंट का। सेट टू पे करने के बाद देखिए मेरा जो भी बैंक अकाउंट है मेरा अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद फिर पे पे क्लिक करूंगा। यू पे कोड देने के बाद यहाँ से मैं जो ना पेमेंट को कर सकता हूँ। तो आप भी इस प्रकार से आप रिंग एप्लीकेशन का पेमेंट आप फोन पे की मदद से आप कर सकते हो। आपने देख लिया होगा कि कैसे पेमेंट को करना है। देखिए मेरे पास ओनली 85 पैसा है, आपका जो भी अमाउंट रहेगा आपका अमाउंट यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आप सारा का सारा अमाउंट का पैसा इस प्रकार से पे कर सकते हो, आपको रिंग एप्लीकेशन में अपडेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। तो आप इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल डायरेक्टली रिंग एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपल आपका सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैसे पेमेंट कर। देखिए पे पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपका सामने काफ़ी सारे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए जी पे हो गया, गूगल पे यानी कि फ़ोनपे, पेटीएम देखिए, अमेजॉन पे, ऐड UPI, बैंक ट्रांसफर देखिए UPI, तो आपके सामने काफ़ी सारा पेमेंट ऑप्शन आ जाता है। आप ये सारा सा पेमेंट मेथड की मदद से पेमेंट को कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों ने सीख गया होगा कि कैसे फ़ोनपे की मदद से रिंग एप्लीकेशन का पेमेंट को रीपेमेंट कैसे किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो नीचे दिया और रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इसके लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छे अपना ख्याल रखें। ओके बाय बाय।